नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं करेची के भोग के लिए बेसन के लड्डू। तो बेसन के लड्डू हम जिस तरीके से बनाएंगे, ये तरीका आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इन लड्डुओं में हम सूजी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये लड्डू एकदम दानेदार बन करके तैयार होंगे और एकदम सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाले। तो आप लड्डुओं को देख के ही समझ सकते हैं कि जो लड्डू हमने बनाए वो कितने दानेदार बने हैं। तो चलिए ये स्वादिष्ट सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए गैस पर कोई भी भारी तले वाली कढ़ाई रखेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, तो कोई भी कप या कटोरी आप मेजरमेंट के लिए सेट कर लीजिए। तो बेसन को अभी हम ऐसे ही भूनेंगे, इसमें हमने घी या ऑयल कुछ भी नहीं डाला है। तो ये लड्डू मैं देसी घी में बना करके तैयार कर रही हूँ। तो बेसन को थोड़ा सा भून लेंगे, इसके बाद इसमें थोड़े थोड़े हम दूध के छींटे लगाते जाएंगे। तो दूध यहाँ पर हम गर्म नहीं लेंगे, ठंडे या नॉर्मल दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो छींटे बिल्कुल हल्की हल्की सी लगाएंगे, करीब दो दो चम्मच दूध इसमें डालेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से हम करीब 3 से 4 बार करेंगे। तो इससे जो बेसन है हमारा उसमें बिल्कुल हल्के हल्के से दाने पड़ जाएंगे। तो इसको लगातार चलाते भी जाएंगे जिससे कि जो बेसन है वो नीचे तले में लगे नहीं। तो देखिए थोड़े थोड़े दाने इसमें पड़ गए। तो एक साथ ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, दूध को हम 4 से 5 बार में डालेंगे और इसमें करीब 8 से 10 चम्मच दूध डल जाएगा। तो बार बार दूध डालने से जो दाने पड़ेंगे वो बहुत छोटे छोटे पड़ेंगे। अगर एक साथ में ज़्यादा दूध डाल देंगे तो जो दाने पड़ेंगे वो मोटे पड़ेंगे। तो इसलिए हमें इसमें बारीक दाने बनाने हैं। अगर ज़्यादा मोटे दाने हो जाएंगे तो जो बेसन है हमारा कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हमें बेसन को अच्छे से तरीके से भूनना भी है। तो हमारे यहाँ गणेश जी को जो भोग लगाया जाता है वो बेसन के बने हुए लड्डुओं से ही बनाया जाता है। तो चाहे वो बेसन से बने हुए हों या बूंदी से बने हुए लड्डू हों, तो लड्डुओं का ही भोग लगता है। बहुत से लोग गणेश जी के भोग के लिए मोदक बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मोदक नहीं बनाए जाते। तो लड्डू चाहे घर पर बने हुए हों चाहे बाज़ार से ख़रीद के लाएँ, लेकिन भोग लड्डुओं का ही लगाया जाता है। तो क्यों ना बाज़ार से लाने के बजाय आप लोग घर पर ही लड्डू बना करके गणेश जी का भोग लगाएँ, और वो भी एकदम शुद्ध तरीके से बिना मिलावट वाले। तो बाज़ार में जो लड्डू मिलते हैं वो मिलावट वाले मिलते हैं, तो घर पर आप इन्हें कम घी से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बेसन में कितना अच्छा दाना पड़ गया है। तो बेसन हमारा करीब 50% भुन चुका है। तो अभी इसमें हमने घी वगैरह नहीं डाला, तो दानों को चलाते हुए थोड़ा थोड़ा मसलते भी जाएंगे जिससे जो दाने हैं वो टूटते जाएंगे, बारीक होते जाएंगे और बेसन भी अच्छे तरीके से भुनता जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो दाने हैं वो एकदम बारीक हो गए हैं। तो इस तरह फोड़ते हुए भुनेंगे, तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी इसमें हम घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी घी लिया है, तो घी को मेल्ट करके डालेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पर आधा घी डाला है, आधा घी बचाया है, उसे भी थोड़ी देर बाद डालूंगी और इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो आपको गैस की फ्लेम को लो ही रखना है पूरी रेसिपी में। अगर तेज़ गैस पर भून देंगे तो जो बेसन है आपका कच्चा रह जाएगा, ऊपर से कलर चेंज कर लेगा लेकिन अंदर से अच्छी तरह से नहीं पकेगा। तो जब आप लड्डू खाएंगे तो आपको थोड़ा कच्चापन महसूस होगा, तो इसलिए लो फ्लेम पर ही भूनिएगा। अभी जो बाकी बचा घी था उसको भी डाल देंगे, और मैंने थोड़ा सा घी बचा के रखा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको बाद में डाल लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा दाना बन चुका है। तो मैंने जो बेसन है उसको करीब 70% भून लिया था, उसके बाद ही इसमें घी डाला है। तो इस तरीके से घी भी कम लगता है। तो देखिए बेसन में अच्छा सा कलर आ गया है और दाना भी बहुत अच्छा बन गया है। तो आप देख के समझ सकते हैं जो लड्डू बने होंगे वो कितने स्वादिष्ट बने होंगे। तो इसके बाद बेसन को हम नीचे उतार लेंगे और इसको चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे पंखे में भी ठंडा कर सकते हैं। तो आप लोग रेसिपी को पूरा देखिएगा, कभी कभी बीच में कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं अगर हम बीच में रेसिपी को छोड़ देते हैं। तो देखिए जो बेसन था हमारा वो ठंडा हो गया है। तो इसके बाद इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन मिक्सी के जार में आप लोग जब ट्रांसफ़र करें तो एकदम इसको ठंडा कर लें तभी करें। तो मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करने के बाद मिक्सी को पल्स मोड पर चलाते हुए बेसन को पीस लेंगे। लगातार मिक्सी को नहीं चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा रोकते हुए चलाएंगे, लेकिन आप ठंडा कर करके पीसिएगा, गर्म मत पीसिएगा।
तो पीसने से अगर कोई मोटे दाने होंगे तो वो भी अच्छे से पिस जाएंगे। तो अभी इसका हम पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो देखिए इसको हमने पीस लिया है और एकदम गीला हो गया है, जो बेसन था उसने घी छोड़ दिया है। तो मैंने इसमें अलग से बिल्कुल भी घी नहीं डाला था। इसके बाद इसको उसी कढ़ाई में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा बर्तन भी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बर्तन में आपके लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। बस अलग से एक मिक्सी का जार ख़राब हुआ है। तो इसके बाद इसमें हम एक कटोरी तगार डालेंगे। तो तगार आपको आसानी ऑनलाइन या किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपके पास तगार नहीं है तो आप इसमें चीनी को पीस करके डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो तगार डालने से जो लड्डू हैं वो और भी ज़्यादा दानेदार बन करके तैयार होते हैं। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद इसके लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो जो बाकी थोड़ा सा बचा घी था मैंने वो भी डाल लिया है। अगर आपको लड्डू बनाने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो आप थोड़ा सा घी ऊपर से मेल्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन इतने में ही आसानी से ये लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इसमें आपको घी भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम कम घी में ही दानेदार लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यकीन मानिए आज से पहले आपने लड्डू बनाने की ये रेसिपी कहीं नहीं देखी होगी। तो अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए एकदम दानेदार लड्डू बन करके तैयार हैं। तो आप एक बार तो ये लड्डू ज़रूर बना करके देखिएगा। जब आप बना करके खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस तरीके से जो लड्डू बनते हैं वो कितने स्वादिष्ट बनते हैं। आगे फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।